વાપી જીઆઈડીસીના થર્ડ ફેઝ વિસ્તારમાં આવેલ ધ સ્ટાન્ડર્ડ કેમિકલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં સોમવારે સલ્ફરના ગોડાઉનમાં આગ ભભૂકી ઉઠતા લોકોને શ્વાસ લેવામાં અને આંખોમાં બળતરા થતા આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરી સર્જાઈ હતી, જે ગંભીર મામલાને ધ્યાને રાખી ડિરેક્ટોરેટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ એટલે ડિશ અને ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ જીપીસીબી દ્વારા તપાસ હાથ ધરી રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે, જેનો યોગ્ય પ્રત્યુત્તર ન મળે ત્યાં સુધી કંપનીમાં પ્રોડક્શન કામગીરી બંધ રાખવા માટેના આદેશ થયા છે। વાપી જીઆઈડીસીના થર્ડ ફેઝ વિસ્તારમાં આવેલ ધ સ્ટાન્ડર્ડ કેમિકલ નામની કંપનીમાં સોમવારે સાંજના સમયે અચાનક સલ્ફરના ગોડાઉનમાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી। આગની ઘટના અંગે કંપનીના કેમિસ્ટ યશ પાટીલે વિગતો આપી હતી। શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હતી, તેને બુઝાવવા પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ સલ્ફર પાવડરમાં આગ લાગ્યા બાદ તેનું સલ્ફર સાયોક્સાઇડમાં રૂપાંતર થતા ફાયરને બોલાવી 10 કલાકની મહેનત બાદ આગ કાબૂમાં આવી હતી। जी, आपका नाम और डेजिग्नेशन? सर, मेरा नाम यश पाटिल है और मैं क्वालिटी कंट्रोल में केमिस्ट है। कौन सी कंपनी है हमारी? ये द स्टैंडर्ड केमिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा सर, खास करके बात की जाए, दो तीन दिन पहले जो यहाँ पर हादसा हुआ था, वो हादसा किस तरह से हुआ था, उसमें हमारा क्या नुकसान हुआ है और हमें जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उसने किस प्रकार की नोटिस दी है? हाँ सर, हमारा वो 25 तारीख को जो हादसा हुआ, वो एक्सीडेंटली सर हमारा वहाँ आग लग गया मटेरियल में। और अभी तो सर एग्जैक्टली फिगर हम नहीं बता सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20-30 टन हमारा एक माल जल गया है और बाकी का जो माल था वो हमारा सेफ रह गया। अच्छा, उस टाइम पर हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, सेफ्टी पर्पज हमने कुछ किया था? हाँ सर, उनके लिए हमने सेफ्टी शूज, उनके लिए सेफ्टी गॉगल्स, उनके लिए मास्क और हेलमेट वगैरह ये सब उनको प्रोवाइड किया था। कितने टाइम में ये इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सके? सर कैसा है, हमारा लगने के बाद में हमको जब मालूम हुआ कि ये आग लगा है, तो हमारे पास अपना पानी का जो पंप है और ये है, उससे हमने बुझाने का कोशिश किया। कितने घंटे में काम हुआ? लगभग सर रात को वो काबू में आ गया था। अच्छा, वो दिन लगा था। अच्छा, उसके बाद हमें कोई नोटिस मिला है? किस प्रकार का नोटिस मिला है और हम आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना ना बने किस तरीके तैयारियां रखेंगे? सर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के तरफ से और जीपीसीबी की तरफ से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है और उन्होंने हमको नोटिस दिया है क्या 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 ये करना है, तो उस हिसाब से सर हम सब प्रिकॉशन लेंगे और फायर प्रूफ केबल्स वगैरह ये सब पहले भी थे हमारे, लेकिन उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो सब हम फॉलो करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनती हो, क्या प्रोडक्ट है, कहाँ इसका यूज होता है, किस तरह से ये हानिकारक हो सकता है? सर, ये अपने आप तो आग नहीं पकड़ता, ये हमारा सल्फर है सर, सल्फर का ग्राइंडिंग होता है।